अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कि मुझे अक्सर ख्वाब में आता है कि मैं किसी पराई गैर औरत के साथ हम बिस्तरी कर रहा होता हूं और मेरे इस ख्वाब की तावीर क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल जाए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नाज़रीन, ख्वाब में जीना यानी गैर औरत से जिमा करने की तावीर बाज़ दफ़ा बेहतर होती है और बाज़ दफ़ा नुकसान की औकात की तरफ इशारा होता है। सबसे पहले दानियाल रदियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब में खुद की बीवी से हम बिस्तरी करने के बारे में तावीर फरमाते हैं। ख्वाब में जिमा करना हाजत का पूरा होना है, खासकर मनी उससे अलग हो जाए। ख्वाब में देखें कि किसी से जिमा किया है तो उससे नेकिया पाएगा और उसकी मुराद पूरी होगी, और देखें किसी ने उससे जिमा किया हो तो उसका ख़ानदान मालदार होगा। हजरत इमाम इब्ने सिरीन फरमाते हैं, पराई औरत से जिमा किया है तो वह शख्स नालायक हरकत करेगा, इस काम में उसे नफ़ा ना होगा, और देखे कि माँ से या बहन से जो उसके लिए हराम है उसके साथ अगर जीना किया होगा तो उसके ख़ास रिश्तेदार उससे जुदा हो जाएंगे, अगरचे वह जिंदा है या ख्वाब मुर्दा है। बहरहाल ये रंज और गम पर दलील है। अगर जिंदा है तो इससे नेकी देखेगा, हज करेगा, और अगर मरी हुई है औरत जिमा करेगा तो मोहताज होगा। हजरत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, अगर देखें कि उसे दोषी या लड़की मिली है तो दलील है इस साल शादी करेगा या कोई कनीज खरीदेगा, अगर कनीज खरीदने का रिवाज नहीं है तो कोई नेमत हासिल करेगा। अगर शाही हरम में गया और जिमा किया तो दुश्मनों पर फतेह पाएगा। हजरत जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ख्वाब में जिमा देखना और उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्यारे दोस्तों इसमें बताएं अकॉर्डिंग आप अगर ख्वाब में जिमा देखते हैं, जिमा करते हैं तो आप पर गुस्ल वाजिब हो जाता है।